बीइंग एन एनालिस्ट, एक छोटी सी बात यह है कि जो कैप्टन होता है ना, उसकी पहली जिम्मेदारी होती है मैच को जितवाना। टिम पेन सबसे बड़ा कप्तान है एशेस का, क्या परफॉर्मेंस है? जीरो परफॉर्मेंस, बट टीम जो है वो नंबर थ्री से नीचे नहीं आ रही, नंबर टू, नंबर वन, नंबर थ्री, क्योंकि उसको ये पता है किस जगह पे किस प्लेयर से क्या परफॉर्म करवाना है। तो जब एंड रिजल्ट अच्छा होता है तो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो छुप जाती हैं, और आप चाहे 300 रन 200 रन नहीं बनाओ, अगर आपकी टीम हार जाए तो एंड रिजल्ट जब अच्छा नहीं होता तो सबको बुरा लगता है। कैप्टन जब तक कंफर्ट जोन पूरी टीम के तमाम ऑर्डर को नहीं देगा, तब तक उस, चाहे वो बॉलिंग ऑर्डर के अंदर हो, चाहे वो बैटिंग ऑर्डर के अंदर हो, तब तक किसी भी प्लेयर से परफॉर्मेंस यील्ड नहीं करवाई जा सकती। अपनी कंफर्ट जोन, सरफराज अहमद बड़ा कप्तान क्यों है कि वो खुद सातवें छठे पर आता था, मगर उसको लगता था कि टीम की इस जगह पे, इस पॉइंट ऑफ प्रोसेशन पे मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, तो वो देखता था। उसने कभी भी अपने लिए देखा ही नहीं। ऐसे ही 31 कंसेक्यूटिव स्ट्रीक ऑफ मैचेस उसने जितवाए नहीं, और जाहिर है नंबर वन टीम रही 2 साल तक। कैप्टन परफॉर्म कर रहा हो तो एक प्लेयर बनता है, जब टीम परफॉर्म कर रही होती है तो 10 प्लेयर बनते हैं। कैप्टन वैसे अगर परफॉर्म करेगा तो टीम भी परफॉर्म करेगी। ऑन द फील्ड अगर कैप्टन का एटीट्यूड पॉजिटिव है तो बाकी 10 लड़के भी उसके साथ चलेंगे, और कैप्टन का बस रोल इम्पोर्टेंट होता है, जिससे अगर कैप्टन जेल होकर रखेगा टीम को तो बाकी लड़के भी परफॉर्म करें। समटाइम ऐसा होता है कि बैड लक भी होता है, आपका दिन नहीं होता, तो उस दिन आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर पाती, उस तरीके से प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। लेकिन प्लेयर बहुत अच्छा होता है लेकिन कप्तान नहीं होता वो, और कोई होता है कप्तान बहुत अच्छा होता है, प्लेयर इतना नहीं होता। लेकिन जैसे लाइक अभी सरफराज अहमद, वो खुद जानता था कि किस नंबर पे लड़के को भेजना है, और अपना नंबर भी पहले नीचे कर लेते थे, टीम की परफॉर्मेंस चाहते थे वो। तो इस वजह से कुछ कुछ प्लेयर्स इस तरह भी होते हैं, कुछ कप्तान होते हैं, कुछ बनते ही कप्तान हैं। मेरे लिहाज से तो कैप्टन एग्रेसिव होना चाहिए फील्ड में, जान लड़कों को जान, अगर कैप्टन ही जान नहीं मारेगा, मतलब एग्रेसिव नहीं रहेगा फील्ड में, एग्रेशन दिखाना चाहिए सामने वाली टीम को, तो उसमें मज़ा भी आता है क्रिकेट देखने वालों को भी और क्रिकेट खेलने वालों को भी। कैप्टनसी इन सेंस में ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर वो फील्ड प्लेसमेंट उसकी जगह पे नहीं है, या बॉलर उसने सही यूटिलाइज नहीं करे, तो वो क्वेश्चन है। लेकिन हर प्लेयर इंडिविजुअल, सारे प्रोफेशनल हैं, तो उनको अपनी एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी देनी पड़ेगी, तो वो टीम को एक अच्छा मोमेंटम देती है। देखिए इसमें कैप्टन को तो इतनी ज़्यादा नहीं आप बोल सकते, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहा है, दूसरों से परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए वो कॉन्फिडेंस भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट प्लेयर से नहीं परफॉर्म हो रहा। डे गुड होता है, डे बैड होता है, कोई इशू नहीं, बट लंबी अगर वो चीज़ चले तो उसका काम बनता है कि उस टीम में चेंजेस लाए, ताकि उस टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो, उसके साथ 2-3 लोग साथ दें, बॉलिंग में अलग दें, बैटिंग में अलग दें, ताकि टीम की जो परफॉर्मेंस है वो सामने आए, लाजमी नहीं कि प्लेयर की परफॉर्मेंस सामने आए। देखिए कैप्टन जो होता है ना, बिकॉज मैं एक कोच हूँ, प्रोफेशनल कोच हूँ, तो मैं आपको इस तरह से एग्जांपल दूंगी कि कैप्टन जो होता है वो भी एक टीम का एक आपका असिस्टेंट होता है, कोच के बाद ही होता है, जो पूरी टीम को लेकर चल रहा होता है। तो जब आप लीडर होते हो, कोच हो गया या कैप्टन हो गया, एक लीडर होता है, जब लीडर होते हो तो ठीक है, आपको पूरी टीम को लेकर चलना होता है, आपको ये देखना होता है कि पूरा आपका कितना बेनिफिट है टीम की हारने जीतने में या सबकी परफॉर्मेंस। लेकिन देखिए अगर आप दूसरी साइड पर देखें तो ये कहना कि अगर कैप्टन परफॉर्म ना भी कर रहा है तो इट्स ओके, इट्स फाइन, और टीम का देखना चाहिए इंटरेस्ट, क्योंकि आप देखें लीडर जो होता है ना, अगर वो परफॉर्म ना करे या वो कोई अच्छा एक्शन ना ले, तो मुझे बताए उसको कौन उसके कदमों पर चलेगा, कौन दूसरे वाले कैसे मोटिवेट होंगे। तो इंडिविजुअल जो कारकर्दगी होती है वो डेफिनेटली वो करती है, ज़रूरी है। जब तक कैप्टन परफॉर्म करता है तो दूसरों को मोटिवेशन होती है कि यार कैप्टन कर रहा है तो हमें तो अपनी जान लड़ाना है। अब कैप्टन ही ना करे परफॉर्म और जी ये बोले कि जी कैप्टन बेचारा उसको पूरी टीम को संभाल रहा है और क्या हो गया अगर वो 0 पे आउट हो गया, तो नहीं भाई ऐसा नहीं होता। जो हमारी अभी सिचुएशन राइट नाउ सिचुएशन को देखा जाता है तो मेरे हिसाब से सैफी भाई एज अ बेस्ट कैप्टन है, क्योंकि हम एज अ टीम खेलते हैं हमेशा, इंडिविजुअल प्लेयर नहीं देखते हमेशा। तो मेरे हिसाब से, मेरी क्रिकेट के हिसाब से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे नहीं बात आनी चाहिए कभी, एज अ कैप्टन बात आनी चाहिए, जो कि सैफी भाई बेस्ट आई थिंक। नहीं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं काम कर अकाउंट करती, क्योंकि आपके सामने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, अगर सैफी भाई जैसे कैप्टन थे पाकिस्तान टीम के भी, उन्होंने टीम के लिए ही किया तो उनको हटा दिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब उन्होंने अच्छा कमबैक किया है। तो कैप्टन का ये है कि एक तो अपनी परफॉर्मेंस तो देखनी होती है, लेकिन टीम की भी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। इन दी एंड अगर आप अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हो और टीम हार भी रही है तो वो आपको नहीं पूछेंगे, वो टीम को ही पूछेंगे कि भाई टीम क्यों हार रही है। कैप्टन टीम की जान होती है। तो जिस तरह बाबर आजम से हम करते हैं, बाबर आजम माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बैट्समैन भी है और बहुत माशाल्लाह बेहतरीन कैप्टन भी है। हार जीत टीम क्रिकेट का हिस्सा है। कैप्टन ये होता है कि मतलब मैचेस के साथ साथ बंदा ना सीखता है,
ठीक है, तो ये कि मतलब बाबर आजम माशाल्लाह से परफॉर्म भी कर रहे हैं, वो सीख भी रहे और विनिंग भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एक साल में दो दफा फाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल में पहुंचे, वर्ल्ड कप में। मैं समझता हूँ कि कैप्टन का सबसे ज़्यादा रोल होता है परफॉर्मेंस में, जहाँ टीम मतलब ज़रूरत होती है तो उसी का काम होता है टीम को उठाना, तो ज़रूरी होनी चाहिए परफॉर्मेंस। अगर मैच हार रहे हैं तो वो सब लड़कों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कैप्टन है वो अपने लड़कों से काम किस तरह ले रहे हैं। अगर मेरिट पे उनको सिचुएशन के हिसाब से उनको यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको मैच लूज़ करना पड़ेगा।